सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब गाइस? ना चुका हूँ, जैसे कि आपने कल के व्लॉग के एंडिंग में देखा होगा, क्योंकि मैं सुबह उठा था तो मैं अभी ना आया हूँ। और अभी हम आराम से मतलब टावल छत में डाले, देख सकते हो, दिखाता हूँ। चले चलो, ये देखो टावल दोनों की छत में डाल दिए। और बहुत तेज़ धूप हो रही, तो मज़ा आ रही धूप में नहाने के बाद। धूप का मज़ा तो आपको पता ही है। और यहाँ से चंबा बादलों का व्यू इतना मस्त आ रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इतना प्यारा सा व्यू आ रहा है। बादलों का देख लो, चारों ओर ऐसे में फैले हैं। मतलब प्यारा सा व्यू है पूरे चारों ओर। यहाँ पे तो ज़्यादा बड़ा गया, और यहाँ पे घर है। और मतलब चंबा देख रहा हूँ, मतलब जहाँ हम अपने दूसरे ब्लॉग में गए थे, इतना मुझे याद है, हम दूसरे ब्लॉग में गए थे। ये देखो इतना प्यारा लग रहा है गाइस चंबा। ओपी गाइस, यह मस्त है। अपने नानी के चलते हैं, थक लग जाती है। ज़्यादा दूर नहीं है, पर थोड़ी तो मतलब हल्का सा चढ़ाई है ना। ये देखो ये रास्ता है, यहाँ से घूम के और वो हमारा घर है, वहाँ से घूम के आते हैं। गाइस टाइम हम PWD में, धूप आई थी तो थोड़ा, और मेरी आवाज़ आपको बदली बदली होगी तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे दुख जुकाम लग गया है। अच्छा, और गाइस अभी भी मौसम मस्ती है। देखो यहाँ मैं पेड़ों के पीछे हूँ, अब बादल आपको दिख रहे होंगे ऊपर, अगर नहीं दिख रहा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस, कोई बात नहीं। और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। फिर अभी हम घूम रहे हैं PWD में, पूरा धूप में घूम रहे थे, पर मैं मतलब व्लॉगिंग के लिए मतलब मेरा कैमरा अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा वहाँ पे बना लूँ व्लॉग। और अभी मैं धूप में आ चुका हूँ, और ये देखो मेरे पीछे पूरी कॉलोनी है, और बस। और अंशुल इधर आके बैठा है, दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पेड़ों पर कभी कभी बंदर बैठे तो दिखता ही नहीं है। अब मैं आपको यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ गाइस PWD की। यहाँ देखो, यहाँ पे चढ़ना है इधर से, ये देखो गाइस कुछ इस तरीके का नज़ारा है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। और एक तार है जो यहाँ खम्भे से है लटकी हुई, और नीचे का भी व्यू आपको मस्त आ ही रहा होगा। ये जो हरा हरा छत दिख रहा है, ये मॉल है, पता है आपको? यकीन नहीं हो रहा, पर मॉल है, ठीक ठाक मॉल है। कभी आओगे यहाँ तो ज़रूर जाना। अरे इसको देखो कैसे उदास होके बैठे है, देखो क्या हो गया, क्या हो गया भाई? देख रहा गाइस कुछ हो गया, से सो तो नहीं गया। चलो गाइस हम घर चलते हैं, सो चुके। ये देखो मेरे हालात ऐसे, पता नहीं क्या हो गया। चल रहे घर, चल गई, घर जा रहे नहीं है गए, आसमान से आवाज़ आ रही है। सो गाइस अब घर चलते हैं। ये देख लो, ये रहा माल्टे का पेड़, ये देखो माल्टा, मतलब यहाँ माल्टे माल्टे लगे, और ऊपर से धूप आ रही है। मतलब कितने देखो, एक तो ये है लटका, और एक ये है कुछ इस तरह गाइस। आई होप आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे हैं। खेत के अंदर दिखाता हूँ आपको, खेत का टूर हो चुका है। और गाइस यहाँ देखो, यहाँ एक कमरा बन रहा था, हमें अब देख रहा हूँ ईंट देख रहा हूँ, यहाँ
ईंटों का भंडार। तो गाइस ईंटों का भंडार भाई साहब इतनी ईंटें। और गाइस पता नहीं खेत में जाना भी सेफ होगा या नहीं, वहाँ सांप भी हो सकते हैं। हल्का सा दिखा देता हूँ आपको आगे का, और सांप दिखाऊंगा मैं कुछ ऐसे, मतलब ये जो हरा हरा, मतलब ये कुछ ज़्यादा हरा नहीं आ रहा है क्योंकि यह मतलब रियलिटी में बहुत हरा है, असल में इतना नहीं है। यहाँ डर भी लग रही है, ये देखो बस सांप ना हो जाए माता दी। देख रो एडवेंचरस मयंक भाई तुम्हारा, यहाँ पे हमारे देख रो, देखो पत्ता गोभी है, ये एक और माल्टे का पेड़ है, और यहाँ पे कुछ माल्टे और लगे हैं, इन्हें नारंगी कहेंगे हम, नारंगी, हाँ नारंगी, ये देख रो नारंगी, ये पेड़ ही नारंगी का है, और वो मिर्च के पेड़ हैं, ये फालतू कबाड़ पड़ा है, ये भी माल्टे का पेड़ है, इसमें पता नहीं क्या है। और यहाँ काम चल रहा है बगल में तो शोर आ रहा होगा आपको, मिर्च के कुछ ऐसे पेड़ हैं, मिर्च नहीं दिख रही बस, ओ दिख गई गाइस, चलो चलते हैं। ये देखो मिर्च दिख रही गाइस, ये रही मिर्च, और यहाँ भी मिर्च है, वो लाल मिर्च दिख रही है एक को, ये देखो जूम करता हूँ गाइस, ये देखो लाल मिर्च दिखी गाइस, एक तो हो गई ये, और एक भिंडी के, भिंडी भी है यहाँ, ये देखो भिंडी, भेंडी है गाइस भेंडी, और एक फ्लावर है, और यहाँ पूरा मतलब जंगल जंगल गाइस। तो गाइस चलते हैं, मेरे को डर लग रही है खेत में ज़्यादा देर रहना सेफ नहीं है, यहाँ का पता चल रहा बंदर आ गए भयंकर, तो एकदम मतलब कब आएंगे मेरे को कुचल कुचल के मार पीट के चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। यहाँ पता नहीं ककड़ी कुकड़ी तो नहीं लगी है, क्या पता ढूंढ लूँ घर जाके, शाबाशी मिलेगी, वाह बेटे वाह कुछ कह के कहोगी ऐश, ककड़ी ढूंढो अगर आपको दिखती है तो कहीं कमेंट करो। गाइस चलो ऐसा करते हैं चलते हैं, तब मैं आपसे अंदर ही मिलता हूँ अपने घर, चलो चलना ऐसे देख रहे चल। गाइस को देख रो, अबे अबे अरे अरे गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे किचन में सब है, ये प्रेशर कुकर, यहाँ रस के पैकेट, और कतार में बोतल की लाइन परेड जा रही है इनकी। तो गाइस शाम हो चुके हैं, और यहाँ देखो काम चल रहा है किचन में, यहाँ पे ये यहाँ बर्तन रख रहा है, तो मतलब सब काम कर रहा है। मैं भी बाहर से बाल्टी अंदर ला लेता हूँ, अंदर देख रहे मतलब बाल्टी, इन बाल्टियों को अंदर रख के आते हैं गाइस, यहाँ पे नहीं जगह तो यहीं पे, भी यहाँ पर रखते हैं। चलिए गाइस थोड़ा सा हमने चाय वगैरह पी लिया, चलिए हम पीडब्ल्यूडी की तरफ, और हमें जल्दी चलना होगा हाँ, क्योंकि ऊपर एक बंदर है, और आपको पता है या नहीं पर मुझसे बाघ से उतना डर नहीं लगता था, नहीं लगता होगा बाघ से उतना डर मुझे जितना बंदर से लगता है, और ये मुझे डराने पे लगा है भाई, चिड़िया उड़ी मेरे को लगा बंदर है, जल्दी जल्दी पता नहीं क्यों इतना मतलब मुश्किल रास्ता है नहीं, तब भी थक लगती है। तो गाइस पीछे मिलते हैं आपसे, कितना मतलब मोटा भाई साहब, रुको है दिखाते हैं एंगल से, ये देख लो भाई साहब बहुत तगड़ा बंदा लग रहा है, हम चलते हैं चल। तो गाइस घर आ चुके हैं पीडब्ल्यूडी से, मज़ा आया आज थोड़ा घूमे, और अभी हम काम करते हैं, स्कूल का होमवर्क करते हैं, उसके बाद आपसे मैं मिलता हूँ, मुँह हाथ धोने इसलिए बाल गीले हैं, और आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, कल का ब्लॉग भी अच्छा आएगा, तो ऐसे ही लगे रहो हमारे ब्लॉग देखने में गाइस,
हमारा नहीं मेरा, ये तो कुछ नहीं करता, ये देखो चुपचाप लगा है बस। अरे हम दोनों काम करेंगे, खैर अभी वो भी करेगा मैं भी करूँगा, और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ जैसे कि मैं रोज ही कहता हूँ। हमने काम वगैरह कर लिया है और अब हम खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे जैसे सोते हैं, उसके बाद मतलब सोएंगे भी नहीं, थोड़ा सा टीवी देखेंगे। गाइस देख रहे हो मैंने ये मतलब क्या बनाया है, ये मतलब जैसे पेंसिल वगैरह रखते थे अंदर ऐसी फैली थी, तो अब इसके अंदर रखेंगे, इतना वैसा है। इसमें मैंने अपने बनाए हुए पोकेमॉन चिपका दिए, देख लो ये कैंची है नीचे रख, उसमें लगा अंदर रख दे। गाइस एक तो ये है सिंडरवेल, सबके नाम बता देना आप, एक तो इसने बता दिया मैं गला भी बैठा है। तो गाइस इसका नाम आप कमेंट में बताइए, मैं ऑन कर दूंगा अगर हो पाएगा मुझसे। और इसका नाम भी, इसका नाम तो बच्चे बच्चे को पता है, मैं बता दूँ ना, मत बता। और गाइस इसका नाम भी बताओ कमेंट बॉक्स में, और जो आखिरी पोकेमॉन है उसका नाम भी बताओ इसका। हालांकि ये मैं ज़्यादा अच्छी बनाई नहीं है, और इसको वापस रख देते हैं। तो गाइस खाना खाएंगे सो जाएंगे, और जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो चैनल पे, नए तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। चलो मैं चलता हूँ ऐसे, यहाँ देख लो मतलब इन सीढ़ियों में बैठूंगा और ऐसे नीचे नीचे जाऊँगा। चलो देखते हैं, ये रहे मेरे पैर और यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ गाइस। अरे अरे भाई साहब, गाइस डरा दिया यार।